तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर टी इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड इस सेकेंड में, इफ द पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बस सेमी सर्कुलर पाथ, ए से बी पर गया है और इस पाथ से गया है, ठीक है ना, तो रेडियस भी दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ आ गया, तो इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ आ गया, तो इनिशियल से फाइनल सीधी लाइन अगर मिला दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो कि 2r होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 2r और टाइम t, तो 2r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 1.0 और टाइम कितना लगा है? 1.0। तो कुल मिला के यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पाथ से कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन सही है।